इतने बड़े विशाल आसमान में ऐसा कैसे हो गया कि दो प्लेन एक दूसरे से टकरा गए? क्यों इतने सारे मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? इतने बड़े हादसे का क्या कारण था और ये किसकी गलती थी? क्यों इस एयर क्रैश ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। एक जुलाई 2002, इटली का बर्गामो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डीएचएल फ्लाइट 611 जो कुछ कार्गो लोड करने के बाद बर्गामो एयरपोर्ट से उड़कर बेल्जियम के ब्रुसेल एयरपोर्ट पर जाने की तैयारी कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। 1990 में बना ये बोइंग 757 सीरीज का एक कार्गो एयरक्राफ्ट था जो अपनी 12 साल की सर्विस में कुल मिलाकर 39,022 हवाई घंटों का सफर पूरा कर चुका था। डीएचएल फ्लाइट को 47 वर्षीय ब्रिटिश कप्तान पॉल फिलिप्स कमांड कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे 34 वर्षीय कैनेडियन को पायलट ब्रांट कैंपियन। कैप्टन पॉल फिलिप्स एक बेहद ही अनुभवी और जिम्मेदार कप्तान थे जिन्होंने अपने करियर में लगभग 12,000 हवाई घंटों का कुशल अनुभव प्राप्त किया था। अपने कप्तान की तरह को पायलट ब्रांट भी 6,604 हवाई घंटों के साथ एक मंझे हुए पायलट थे। इत्तेफाक से दोनों पायलट पिछले एक महीने से सेम रूट पर एक साथ फ्लाइट कर रहे थे जिससे दोनों पायलट्स में काफी तालमेल बन गया था और वो एक दूसरे के काम करने के तरीके को भी भली भांति समझ गए थे। रात के करीब 9 बजे डीएचएल फ्लाइट पार्किंग रैंप से निकलकर टेक ऑफ की तैयारी शुरू करती है और फाइनली ब्रुसेल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में बश्कीरियन एयरलाइंस फ्लाइट 2937 मॉस्को से बार्सिलोना जाने के लिए उड़ान भर चुकी थी। बश्कीरियन एयरलाइन का ये प्लेन 1995 में बना एक ट्यूपोलिव TU-154M एयरक्राफ्ट था जो RA-85816 नंबर से रजिस्टर्ड था। सूत्रों के मुताबिक ये प्लेन रशियन क्रू द्वारा उड़ाया जा रहा था और इसके कैप्टन 52 वर्षीय अलेक्जेंडर मिहाइलोविच ग्रॉस थे। कैप्टन अलेक्जेंडर को 12,000 घंटे का कुशल फ्लाइट एक्सपीरियंस था जिसमें से 4,918 घंटे का एक्सपीरियंस इसी तरह की TU-154 प्लेन को उड़ाने का था। कप्तान अलेक्जेंडर के अलावा उस दिन फ्लाइट में को पायलट ओलेग पावलोविच ग्रिगोरिव, फ्लाइट नेविगेटर सर्जी गेनेडीविच खारलोव और सीजनल पायलट म्यूरट अहाटोविच इटकलोव भी सवार थे। फ्लाइट में कुल मिलाकर 60 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर थे जिसमें से 45 बच्चे रूस में स्थित बशकोर्तोस्तान के यूएफए सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। बताया जाता है कि ये बच्चे लोकल यूनेस्को कमेटी द्वारा आयोजित स्कूल ट्रिप पर थे। इन बच्चों में से ज्यादातर के माता पिता बशकोर्तोस्तान में हाई रैंक ऑफिशियल्स थे। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था और आने वाले खतरे से अनजान सभी लोग अपनी फ्लाइट का आनंद ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी फ्लाइट के दौरान डीएचएल की फ्लाइट स्विस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करती है और अपनी पोजीशन और स्पीड की जानकारी कंफर्म करती है। स्विस एयर कंट्रोल डीएचएल फ्लाइट को 36,000 फीट पर उड़ान भरने की अनुमति देता है जिसके बाद डीएचएल फ्लाइट 36,000 फीट पर उड़ान भरने के लिए अपनी क्लाइंब शुरू कर देती है। जर्मन बॉर्डर में होने के बावजूद ये एयर स्पेस ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित एक प्राइवेट एयर स्पेस कंपनी स्काई गाइड द्वारा कंट्रोल किया जाता था। उस दिन ज्यूरिक एयर स्पेस में सारे एयर ट्रैफिक को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही कंट्रोलर निभा रहा था और वो कंट्रोलर थे पीटर नीलसन जो एक साथ दो रेडार स्कोप्स को मॉनिटर कर रहे थे।
एक रेडार पर वो अपने एयर स्पेस में एंटर करने वाले ट्रैफिक को गाइड कर रहे थे और वहीं दूसरे रेडार पर चार अलग अलग एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ को कंट्रोल कर रहे थे। डीएचएल और बश्कीरियन एयरलाइन फ्लाइट्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी पीटर नील्सन की ही थी। डीएचएल और बश्कीरियन एयरलाइन फ्लाइट्स दोनों ही उस वक्त 36,000 फीट पर उड़ान भर रही थी। उस दिन कंट्रोल टावर में फोन लाइंस और टावर रिपेयरिंग का काम चल रहा था और अकेले होने के कारण पीटर नील्सन काफी स्ट्रेस और वर्कलोड महसूस कर रहे थे। इस एक्स्ट्रा वर्कलोड के कारण पीटर नील्सन ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि डीएचएल और बश्कीरियन एयरलाइंस दोनों ही 36,000 फीट पर उड़ान भर रही थी और बहुत ही तेज गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। खतरे से अनजान डीएचएल और बश्कीरियन एयरलाइन फ्लाइट्स अब एक ही हाइट पर एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तभी अचानक दोनों फ्लाइट्स का TCAS सिस्टम एयर कोलाइजन वार्निंग देना शुरू कर देता है। TCAS एक ऐसा आधुनिक सिस्टम है जो दो हवाई जहाजों को हवा में टकराने से बचाता है। इसको ट्रैफिक कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम भी कहा जाता है। अगर दो जहाज किसी कारण से एक ही हाइट पर एक दूसरे की तरफ आते हैं तो TCAS सिस्टम दोनों जहाजों को एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करता है ताकि दोनों जहाजों की टक्कर रोकी जा सके। जब TCAS सिस्टम ने यह देखा कि दोनों प्लेन्स एक ही हाइट पर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उन्हें आपस में टकराने से बचाने के लिए TCAS सिस्टम ने बश्कीरियन एयरलाइंस को ऊपर की ओर जाने का निर्देश दिया। TCAS के मुताबिक यदि जहाज को 1500 से 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से ऊपर की ओर ले जाया जाए तो दूसरा जहाज उसके नीचे से सुरक्षित निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ TCAS सिस्टम ने DHL फ्लाइट को नीचे जाने का निर्देश दिया ताकि बश्कीरियन एयरलाइंस बिना किसी टकराव के उनके ऊपर से निकल जाए। DHL फ्लाइट के कप्तान ने TCAS द्वारा दिए गए निर्देश को मानने का फैसला किया और जहाज का रुख नीचे की ओर करके उसे ऑटो पायलट पर कर दिया। हालांकि DHL कप्तान अपने द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी ATS कंट्रोलर नील्सन को नहीं दे पाए क्योंकि उस वक्त कंट्रोलर बश्कीरियन एयरलाइंस के साथ संपर्क में था। अगर दोनों फ्लाइट्स के कैप्टन TCAS सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते तो दोनों फ्लाइट्स सेफ डिस्टेंस के साथ एक दूसरे से दूर चली जाती। लेकिन जैसे कहा जाता है, दुर्घटना के क्षणों में व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देता है। ठीक ऐसा ही हुआ। जहां TCAS सिस्टम बश्कीरियन एयरलाइंस को ऊपर जाने का निर्देश दे रहा था, वहीं कंफ्यूजन और वर्कलोड के कारण कंट्रोलर पीटरसन उन्हें नीचे जाने का निर्देश दे रहे थे। और जिसका डर था वही हुआ। बश्कीरियन एयरलाइंस ने TCAS द्वारा दिए गए निर्देश का उल्लंघन किया और कंट्रोलर नील्सन द्वारा दिए गए सुझाव को मानकर जहाज को नीचे की ओर मोड़ दिया। अब बदकिस्मती से फिर से दोनों प्लेन्स एक ही हाइट पर एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। TCAS की वार्निंग से अनजान कंट्रोलर नील्सन अब भी बश्कीरियन एयरलाइन फ्लाइट को बार बार नीचे जाने का सुझाव दे रहे थे। दुर्भाग्य से ऐसे गंभीर समय में कंट्रोलर नील्सन एक और बहुत भारी गलती कर बैठे। उन्होंने बश्कीरियन एयरलाइंस के पायलट को कहा कि DHL प्लेन उनके दाईं ओर से आ रहा है, जबकि DHL प्लेन उनके बाईं ओर से आ रहा था। बश्कीरियन एयरलाइंस के पायलट आखिरी क्षणों तक दाईं ओर ही DHL फ्लाइट को देखने की कोशिश करते रहे। तभी अचानक बश्कीरियन एयरलाइंस के पायलट को बाईं ओर से आती DHL की फ्लाइट दिखाई दी। तब तक DHL फ्लाइट को भी अपने सामने बश्कीरियन एयरलाइंस दिखाई दे चुकी थी। मुसीबत को समझते हुए बश्कीरियन एयरलाइंस के पायलट्स ने प्लेन को ऊपर ले जाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस दुर्घटना से बचना लगभग नामुमकिन था।
34,890 फीट की ऊंचाई पर दोनों प्लेन्स एक दूसरे से टकरा गए। टकराते ही बश्कीरियन प्लेन हवा में ही टुकड़ों में बट गया और कई किलोमीटर के एरिया में उसके टुकड़े फैल गए। वहीं डीएचएल प्लेन का भी एक पंख टूट गया था। एक पंख के साथ डीएचएल प्लेन को उड़ाना अब पायलट के लिए असंभव हो गया था और कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि उनका हाल भी बश्कीरियन एयरलाइंस जैसा ही होने वाला है। आखिरकार पायलट्स की लाख कोशिशों के बाद भी डीएचएल प्लेन एक गांव के पास जंगली इलाके में क्रैश हो गया। बदकिस्मती से इस दुर्घटना में दोनों प्लेन्स में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया और 71 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस एक्सीडेंट के बाद एटीएस कंट्रोलर नीलसन ट्रॉमा में चले गए और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाया गया। शुरुआत में स्काई गाइड अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और उन्होंने सारा का सारा इल्जाम रशियन पायलट पर डाल दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे कुछ सालों बाद स्काई गाइड कंपनी ने अपनी गलती मान ली और इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार से माफी मांगी। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस दुर्घटना में अपनी पत्नी और दो बच्चों की मौत से परेशान एक रशियन आर्किटेक्ट ने कंट्रोलर पीटर नीलसन को ही उस हादसे का जिम्मेदार माना। उसने जैसे तैसे करके नीलसन का फोन नंबर और एड्रेस खोज निकाला और उसके घर जाकर नीलसन के बीवी बच्चों के सामने उसकी हत्या कर दी। इस हादसे के बाद एयर इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे कारणों को सुधारने का निर्देश दिया, जिसमें पायलट्स को TCAS सिस्टम को अच्छी तरह समझने और उनके निर्देशों का पालन करने की ट्रेनिंग दी जाए। साथ साथ TCAS सिस्टम को भी अपग्रेड करने की सलाह दी गई ताकि इस तरह की सिचुएशन में वो साफ साफ निर्देश दे सकें ताकि पायलट्स उन्हें अच्छी तरह से समझ पाए और ऐसे हादसों को रोका जा सके। इस तरह के हादसों के बारे में जानकर विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि एयर ट्रेवल यात्रा करने का सबसे सुरक्षित माध्यम है। पूरी दुनिया में कार या अन्य दुर्घटनाओं के मुकाबले एयरप्लेन दुर्घटना ना के बराबर होती है, इसलिए आश्वस्त रहें और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ हवाई यात्रा का आनंद लें। हम आपकी सुखद और सुरक्षित हवाई यात्रा की प्रार्थना करते हैं।